हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक जज्बा होता है मानवता की सेवा करने का, लेकिन वो क्या तरीका अपनाता है ये उस पर निर्भर करता है। जहां एक ओर रमजान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर बात करते हैं कि लोग किस तरह से दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो कि बेहद अहम माना जाता है। उसी से जुड़े हुए समाचार हैदराबाद से आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये मानवता की सेवा रमजान के महीने में गोलकुंडा के युवा वर्ग कर रहे हैं। गोलकुंडा क्षेत्र के रहने वाले कुछ युवाओं ने गरीबों की मदद, जरूरतमंद की मदद करने के लिए बीड़ा उठाया है, जो कि रात भर दिन भर मेहनत करके उन लोगों की मदद करते हैं जो कि रमजान के महीने में रोजे रख रहे हैं और जरूरतमंद है। ये उनकी सहरी का इंतजाम करते हैं और उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाते हैं और जरूरतमंद को उनकी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये भी एक तरह की मानवता की सेवा है और जो एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि इस मामले में उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के साथ साथ देश प्रेम के साथ साथ लोगों की सेवा करना, मानवता की सेवा करना भी बहुत जरूरी है और जो एक मरीज के साथ उत्कृष्ट सेवा हम प्रदान कर रहे हैं, ये हमारे अंदर का जज्बा है। किसी से हम मदद नहीं लेते हैं और अपने बलबूते पर ये सभी काम हमारी दिल की आवाज सुनते हुए करते हैं। रहमान रहे हैं, रमजान शरीफ मुबारक हो आप सबको। यहाँ पर नौजवान और महिला के लोगों ने मिलकर शहरी का इंतज़ाम करा रहे हैं और जो जो भी शहरी का इंतज़ाम करा रहे हैं दवाखानों में वो सप्लाई किया जा रहा है सब। और मरीजों की इबादत करने वाले को शहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है और हमारे नौजवान ने जो जोश व खुरश से ये काम कर रहे हैं इसका मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। हमला नौजवान गोलकुंडा की जानिब से पहली मर्तबा मरीज़ों की आदत करने वाले लोगों को शहरी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 30 दिन ये काम चलेगा। 30 दिन तक हम यहाँ पर शहरी का अहतमाम कर रहे हैं, शहरी बनवा कर उसे पैक कर कर जो है दवाखाना फिर कर मरीज़ों के साथ जो आयदाद करने वाले अटेंडर्स होते हैं उनको शहरी पहुंचा रहे हैं। जनाब मजीदुल्लाह खान खादरी साहब की ज़ेर सदारत में ये काम अंजाम दिया जा रहा है। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि हर कोई ये काम से जुड़े। जो अपने करीबी दवाखाने हैं वो दवाखानों के अंदर जो पेशेंट के साथ आयदाद करने वाले अटेंडर्स हैं उनको शहरी का अहतमाम करें। शहरी खिलाना एक सुन्नत है। आपसे गुजारिश की जाती है कि ये काम से जुड़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडा किले रिसाला बाजार और तमाम गोलकुंडे के नौजवानों की जानिब से, एक यूथ की जानिब से गोलकुंडे के पेशेंट्स जो दवाखानों में एडमिट है, जैसा कि हैदराबाद में मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो पेशेंट्स एडमिट है वो उनके अटेंडर्स जो उनके साथ रहने वालों के लिए शहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है गोलकुंडे की नौजवानों की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है 100 से 150 पैकेट्स पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो पेशेंट के अटेंडर्स है वहाँ दिए जा रहे हैं। ये काम मामूली काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज गोलकुंडे के नौजवान हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब रिपोर्टर और हमारे मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब और हमारे मजीद साहब, सैयद रफत साहब और तमाम नौजवानों ने मिलकर गोलकुंडे किले से काम का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। शहरी कराना बहुत बड़ी सुन्नत है, शहरी खाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे गरीब पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स रोज़ा रहना चाहते हैं मगर कि उनको शहरी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडे किले से शहरी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पहुँचाई जा रही है। मैं बहुत ही बहुत ये काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तमाम हैदराबाद के लोग और तमाम तेलंगाना के लोग अपने करीबी हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स के अटेंडर्स रहते उनको शहरी का इंतज़ाम करें। और अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भूखे हैं जो शहरी नहीं कर सकते, परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे उनके भी लिए इंतज़ाम करें। तो मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूँ कि एक रियाकारी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है कि हम एक अवेयरनेस कर रहे हैं। पब्लिक को मालूम होना कि ये काम करना है हमारे को, दवाखानों में जो है पेशेंट के अटेंडर्स को शहरी पहुंचाना है। तो हर एरिए के लोग अपने अपने करीबी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करीबी हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी ले लें,
पेशेंट के अटेंडेंस को सही कराएं।